Good evening students. In the previous video lecture, that is our lecture 3, we have completed the chemical properties of metals and non-metals. Metals and non-metals, we have seen how metals reacts with each other, how metals reacts with salt solution, how metals reacts with your showing the reactivity series, displacement reaction and so on. Now, in today's video lecture, we are going to see how do metals and non-metals react to with each other to form a type of compound which is known as ionic compound, okay? Now, how do metals and non-metals react with each other? The chemical behavior of any element depends upon its position in the periodic table. केमिकल बिहेवियर किसी भी एलिमेंट का उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है पीरियोडिक टेबल पे. पीरियोडिक टेबल हमने फर्स्ट लेक्चर 1 में देखा था. सो द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज रिलेटेड टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन यू हैव स्टडीड इन योर 9th स्टैंडर्ड. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पढ़ना स्टार्ट किया था कि देर आर 4 शेल्स के एल एम एन एंड एंड के स्टैंड्स फॉर K consists of 2 electrons maximum, L can maximum hold 8 electrons, M also 8 and N also 8. So on the basis of that electronic configuration, we can give the chemical reactivity of elements depends upon its electronic configuration. That is, if it is chemical reactivity or not. Because to attain the stable noble gas configuration, okay? कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होगा जब वो अपना ऑक्टेट या ड्यूप्टेट कंप्लीट कर लेगा, तब हम उस एलिमेंट को क्या बोल सकते हैं कि वो स्टेबल है. सो अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट, लेट अस लुक इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद नोबल गैसेस. नाउ व्हाट इज नोबल गैसेस? नोबल गैसेस आर दोज गैसेस विच हैज देयर कंप्लीटली फिल्डेड ऑर्बिटल्स. आउटर मोस्ट शेल उनका कंप्लीटली फिल्ड होता है, हम उनको नोबल गैस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, दे आर नोन एज नोबल गैसेस बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्डेड आउटर मोस्ट शेल. सो दिस आर द सर्टेन एलिमेंट्स. सो ऑल द एलिमेंट्स हैविंग कम्प्लीटली फिल्डेड आउटर मोस्ट शेल्स आर नॉन रिएक्टिव. मतलब उसका अगर शेल कम्प्लीट है, ठीक है, इफ़ इट्स आउटर मोस्ट शेल इज कम्प्लीट, सो वुड इट रिक्वायर मोर इलेक्ट्रॉन्स? नो, उसको कुछ ज़रूरत ही नहीं ना करने की, वो तो कम्प्लीट है उसका. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर हंग्री, ठीक है, अगर आपका पेट भरा है तो आपको और खाने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि आप स्टेबल हो, आपके पास उतनी एनर्जी है कि आप कवर कर सकते हो. बट अगर आपके पास पेट आपको भूख लगी है तो आपको खाना चाहिए, मतलब आप स्टेबल नहीं हो, आपके पेट को एनर्जी चाहिए. योर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी. तो सेम वे इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो एलिमेंट्स ऑल्सो रिक्वायर्स टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट और ड्यूप्टेट, आइदर बाय लूजिंग और आइदर बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स. So that basis the chemical reactivity of an element depends. So all elements having less than 8 electrons in the outermost shell except helium, which has 2 electrons in the outermost shell, show chemical reactivity. Okay. For example, you can see over here, sodium atomic number is 11. So the electronic configuration will be 2, 8, 1. सो इट हैज़ कम्प्लीटली आउटर मोस्ट फिल्डेड शेल, सो इट इज़ रिएक्टिव. क्योंकि अगर वो एक लूज करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा. If it loses, so 2 and 8 are complete. As we know, K, your K shell, L, M and N. K can maximum has 2 electrons, L can maximum has 8, M also 8, N also 8. Right? So, sodium's electronic configuration is 2, 8, 1. सो इफ इट लूजेज वन इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो क्या वो स्टेबल हो जाएगा? येस, इट विल बिकम स्टेबल. सो इट लूजेज द इलेक्ट्रॉन्स एंड द वन विच लूजेज द इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मेटल्स. ओके, सेम वे क्लोरीन्स एटॉमिक नंबर इज वॉट? क्लोरीन्स एटॉमिक नंबर इज 17. सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज वॉट? के शेल हैज हाउ मेनी? के 2, एल 8 एंड एम 7. सो ये लूज करेगा कि गेन करेगा? इंस्टेड ऑफ लूजिंग इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन. साथ देने से अच्छा वो एक ले लेगा, राइट? सो इफ इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन, सो इट इज अनरिएक्टिव ना, इट इज केमिकली रिएक्टिव. सो मेक अ करेक्शन ओवर हियर, इट इज केमिकली रिएक्टिव. ओके, दे आर केमिकली रिएक्टिव. ओके, नियॉन एटॉमिक नंबर इज व्हाट? 11, सॉरी 10. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 2, 8. कंप्लीट है उसका आउटर मोस्ट शेल, तो क्या उसको चाहिए?
या लूज करेगा या गेन करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए? नहीं. सो दिस इज नॉन रिएक्टिव, इट विल इट इज केमिकली नॉन रिएक्टिव. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट, ऑक्टेट रूल. एज आई सेड, बाय द एलिमेंट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वी फाइंड दैट ऑल एलिमेंट्स हैव कम्प्लीटली फिल्डेड आउटर मोस्ट शेल्स आर नॉन रिएक्टिव. ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया. ठीक है, सो ऑक्टेट रूल क्या बताता है आपको? बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, कॉसल एंड लुईस प्रपोज्ड दैट ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन द एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स कैन टू टेंड टू री एक मिनट. So Kossel and Lewis said that during any chemical reaction, the atoms of all elements tend to gain stability by acquiring an electronic configuration of the nearest noble gas element. Okay, because noble gases have completely filled shells. So thus during, अगर वो fill हो गया तो stable हो जाते हैं. So thus during a chemical reaction, atoms of all elements except hydrogen tend to achieve 8 electrons in the outermost shell. Hydrogen को कितने चाहिए? एक. क्योंकि अगर वो उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं केशल में, केशल की मैक्सिमम टेंडेंसी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? 2. तो अगर उसको एक और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ड्यूप्टेट कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट नहीं. 8 कंप्लीट करता था, हम उसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं. सो स्टेबिलिटी इज अटेंड बाय एन एलिमेंट आइदर बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स. एंड इफ इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स दे आर नोन एज नॉन मेटल, एंड इफ इट इज लूजेज द इलेक्ट्रॉन्स इट इज नोन एज मेटल. ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट, वॉट इज एन आयोनिक बॉन्ड? वॉट इज आयोनिक बॉन्ड? सो हमने जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स देखेंगे, तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज आयोनिक बॉन्ड फॉर्म थ्रू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, रेड, आयरन, लेड, एल्यूमिनियम. एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन. मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम शोइंग द रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल. एज यू नो, सोडियम इज अ मेटल एंड क्लोराइड इज अ नॉन मेटल. सोडियम्स एटॉमिक नंबर इज 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज 281. क्लोरीन्स एटॉमिक नंबर इज व्हाट? 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज 287. तो दोनों का अलग अलग, ये जो आपको क्रॉस दिख रहे दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स को मैंने रिप्रेजेंट किया. इसके इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को आपके क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है. और कौन से इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए हमको आउटर मोस्ट शेल ही चाहिए. ओके, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो 281 कितने हैं इसके आउटर मोस्ट में? 1. ओके, इसके आउटर मोस्ट में कितने? 7. सो अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो क्या वो स्टेबल हो जाएगा? यस, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कौन सा अटेंड कर लेगा? 28. सेम वे अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा तो क्या वो स्टेबल हो जाएगा? यस, 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा उसका. ठीक है, सो दिस गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन. दिस गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस नाउ? Na loses 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na प्लस. लूज करेगा तो प्लस चार्ज, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सेम वे क्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है टू फॉर्म व्हाट? Cl माइनस. जितने इलेक्ट्रॉन्स दे या ले रहा है वही चार्ज आता है उसके ऊपर. इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए प्लस 1, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए सिर्फ माइनस. ओके, क्लियर. सो फिर आप Na प्लस एंड Cl माइनस उसके ऊपर चार्ज, दैट रिजल्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ NaCl. सो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम Na इज 11, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज 281. सो इट हैज़ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. इट लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na प्लस आयन. एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ Cl इज 17. सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज 287. सो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज वॉट? 7. वैलेंस मतलब आउटर, वॉट यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. It gains 1 electron to form Cl minus. Then the attraction between Na plus and Cl minus results in the formation of sodium chloride. This is nothing but the results of the formation of ionic bond. ठीक है, Na atom था, उसके outer most में एक electron था, वो Cl को दे देगा तो वो stable हो जाएगा, और वो lose कर लेगा तो वो stable हो जाएगा. Results to the formation of Na plus cation and Cl minus anion. ठीक है, same way over here, see the formation of magnesium fluoride. मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम्स एटॉमिक नंबर इज 12. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होगा मैग्नीशियम का, ये मैं आपको इसमें फॉर्म में दिखाती हूँ, पे अटेंशन. एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड. सो मैग्नीशियम, व्हाट आर द स्टेप्स? स्टेप 1,
स्टेप वन आप आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करोगे, जो स्टेप वन है उसमें आप शो करोगे, उसके एटॉमिक नंबर लिखोगे रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के. तो एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज व्हाट, 12, राइट. व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, 8, 2. पहला स्टेप लिखा. सेम वे से एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन, इट इज योर 9. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 and 7. ठीक है, ये आपने स्टेप वन किया, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर के साथ. सेकेंड आप क्या करोगे स्टेप टू में, उसी में स्टेप वन में कंटिन्यू. Mg को कितने इस इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे उसके. Mg क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू फॉर्म Mg2+, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तभी वो स्टेबल हो रहा है. ठीक है, Mg2+. सेम वे फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, वन फ्लोरीन टेक्स वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म F-. ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछा रहेगा, शो द फॉर्मेशन ऑफ MgF2. ठीक है, F2, तो मेरे पास दो फ्लोरीन है तो आई विल टेक राइट इट 2 times, और 1 time लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ये स्टेप किया, 2 times हो गया क्योंकि मेरे पास दो फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन एक टाइम लेगा. ठीक है, एक अगर एक Mg है, Mg2+ दे रहा है 2 electron टू कम्प्लीट इट्स स्टेबल, तो अगर वो दे रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, वो स्टेबल हो गया. सेम वे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2, 8 हो गया इसका, ये भी 2, 8, दो फ्लोरीन है हमारे पास. ठीक है, स्टेप टू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र दिखाओ. Mg के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, तो मैं उसको डॉट से दिखा रही हूँ. ठीक है, कितने फ्लोरीन है मेरे पास, 2, दो फ्लोरीन बनाया. इनके आउटर मोस्ट में कितने, 7, क्रॉस से शो करो इसके इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो इट विल टेक 1 electron, सेम वे दिस विल टेक 1 electron, बीच में प्लस की साइन. ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप वन एंड स्टेप टू क्लियर है. स्टेप वन एटॉमिक नंबर लिखो उसका 282, इसका 287, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, 2 electron लूज करेगा. अगर ये 2 electron लूज करेगा, 2 electron दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा. और ये दो एक एफ एक ले रहा है, हमारे पास 2 F है. ठीक है, आई विल आस्क यू, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको इसके बेसिस पे, शो द फॉर्मेशन, आई थिंक राइटिंग क्लियर नहीं बट वर्डिंग्स पे जाओ, फॉर्मेशन ऑफ Mg, वेट, Mg F2, ऐसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. तो दो फ्लोरीन है, तो पहला स्टेप आप ये करोगे स्टेप वन, उसका एटॉमिक नंबर लिखोगे. देन स्टेप टू में आप क्या करोगे, Mg गिव्स यू सेम उसी कंटिन्यू, Mg कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, 2 electrons, तो Mg2+ कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, 2, दो फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा फ्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन. स्टेप टू उसका ट्रांसफर दिखाना है. सो Mg के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, तो मैंने उनको डॉट से दिखाया, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट को क्रॉस से दिखाया. अभी उसको स्टार सर्कल सब चीज़ से नहीं दिखाओगे, आइदर बाय सिंपल डॉट्स आइदर बाय द क्रॉस. ओके, दोनों को डिफर करके रखो, एक डॉट से शो करो एक क्रॉस से शो करो, ताकि आपको क्लियर हो आपने किससे इलेक्ट्रॉन्स लिया और किसको इलेक्ट्रॉन्स दिया है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपल नेक्स्ट स्टेप लास्ट, जब उसने ट्रांसफ़र कर दिया तो रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में, और यू कैन से आप Mg को लिखो, कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, 2, तो Mg2+, और स्क्वायर ब्रैकेट करो, कितने F थे, 2, जैसे एज इट इज़ आपको जो फॉर्मूला पूछा गया था, ये वाला पूछा गया था राइट, Mg F2, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, F के इलेक्ट्रॉन्स दिखाने. एक F एक ले रहा था, 7 electrons थे उसके पास, 6, ठीक है ऑलरेडी था, और एक एक एफ ने एक Mg से लिया, तो 2 F ने 2 Mg से लिया.
हाँ एक एम, सॉरी दो एफ ने एक एक इंडिविजुअल एम जी से लिया और चार्ज कितना आया माइनस. तो इज इज दिस बैलेंस? यस, 2+2-. ओवरऑल एनी कंपाउंड में चार्जेस बैलेंस होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन राइट है. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ हाउ टू शो द फॉर्मेशन. एक और सिखा रही हूँ और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच इज द कैटायन एंड विच इज द एनायन. एम जी टू प्लस इज द कैटायन, इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज द एनायन, इट हैज द नेगेटिव चार्ज. ओके, वन मोर एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू. आई एम आस्किंग यू शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O. शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O. ओके, सो वेरी फर्स्ट स्टेप, एटॉमिक नंबर लिखो. एटॉमिक नंबर ऑफ Na, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ Na? Say it fast. 11. Atomic number of Na is 11. So electronic configuration में नीचे लिख रही हूँ 2, 8, 1. Okay. Same way, atomic number of O. What is it? What is atomic number? 8. Electronic configuration 2, 6. Okay. इसी में continuation आपका next step क्या था? Na कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन. तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज, Na प्लस. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट लूजेस? वन. तो वन इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी ओ सॉरी टू Na's वर देर? तो एक और बार लिख सकते हो या एक बार लिखोगे तो भी चलेगा, इट इज़ बट ऑब्वियस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Na प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए? दो इलेक्ट्रॉन्स. आउटर मोस्ट में सिक्स है इसलिए दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो एट हो जाएगा. सो ओ प्लस ओ टू माइन गिव्स यू ओ. कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए? दो. टू. हाउ मेनी चार्ज लिए तो कौन सा चार्ज? माइनस. दिए तो कौन सा चार्ज? प्लस. अब ये माइनस अब आगे भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या दिखाना था? उसका ट्रांसफर. नेक्स्ट स्टेप क्या दिखाना था? ट्रांसफर. Na दो Na है, ऑक्सीजन एक. इसका मैं सर्कल दिखा रही हूँ इलेक्ट्रॉन, इसका मैं क्रॉस दिखाऊंगी. मैं इस साइड ही कर रही हूँ क्योंकि उस साइड फिर आपको दिखेगा नहीं. ठीक है, या फिर वेट, आई विल मेक इट लिटिल बिट क्लोजर. ओके, ओ 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो इट रिक्वायर्स हाउ मेनी? टू. वन फ्रॉम यर, वन फ्रॉम यर. एरो का रिप्रेजेंटेशन दिखाओ. ठीक है, नाउ लास्ट स्टेप, वट विल हैपन ओवर यर? Na कितने Na? टू. प्लस चार्ज, ऑक्सीजन को स्क्वायर ब्रैकेट में ओ. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस में. वेट अ मिनट, वापस आपको वहाँ पे दिखेगा नहीं तो वॉट आई विल डू, लास्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे Na ब्रैकेट में O. ओके, Na हाउ मेनी? टू टाइम्स. सो Na के ऊपर प्लस चार्ज क्योंकि वो दे रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स शो करो 1, 2, 3, 4, 5, 6. दो इलेक्ट्रॉन्स उसने किससे लिए थे तो उसको डॉट से ही दिखाओ जिससे रिप्रेजेंट किया है आपने, और ऊपर 2-. इज द इक्वेशन बैलेंस? एक Na के लिए एक प्लस, तो दो Na के लिए 2+. तो 2+2-0, न्यूट्रल है. So this type of formation is known as ionic bond when a complete transfer of electron take place from one atom to another. I hope this is clear to you. इसके basis पे questions होंगे, आप उसको solve करेंगे. Next, properties of ionic compound. So what are the properties of ionic compound? They are formed by transfer of electrons are made up of ions, that is cations and anions. ठीक है, positive and negative. They are crystalline solids. Next, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. येस, उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो दो अपोजिट चार्जेस की वजह से है, तो उनके बीच का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज़्यादा है, इसलिए दे हैव, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी. देयरफॉर दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. और यू कैन से टेक्स्ट बुक में इजिली गिवन है इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेनेशन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. एनी कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द ब्रेक द बॉन्ड इज हाई बिकॉज ऑफ इंटर आयोनिक अट्रैक्शन. आयन्स के बीच में अट्रैक्शन है, नेगेटिव और पॉजिटिव. ओके,
वी नो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, उनको फिर ब्रेक डाउन करना. अगर मैंने मैग्नेट लिया है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल वाले को अट्रैक्ट किया एक दूसरे से, तो फिर मुझे उसको सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लगता है ना, एकदम से तो नहीं निकल जाएगा ना खुद से. ठीक है, तो सेम वे अगर फोर्सेस आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. ठीक है, नेक्स्ट, दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट दे आर इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल एंड केरोसिन. ठीक है, नेक्स्ट सोल्युबिलिटी है उसकी. हाँ, नेक्स्ट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और सोल्यूशन स्टेट. नाउ वाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन्स का सोल्यूशन में, एंड मोल्टन स्टेट में भी पॉसिबल है बट सॉलिड स्टेट में नहीं है. अ सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स. सो विच हम लोग को पता है ना, वो डिसोसिएट हो जाते हैं, हमने एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ा था. Which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. So ionic compounds in the solid state do not conduct electricity. Why? Because movement of ions in solid is not possible due to rigid structure. ठीक है, जो सॉलिड कंडीशन में होगा उसमें स्पेस बहुत कम होगी, तो मूवमेंट ऑफ आयन पॉसिबल नहीं है आयनिक कंपाउंड्स का इन सॉलिड स्टेट. सो दिस इज पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट, इज नॉट पॉसिबल. This is possible in molten state since the electrostatic forces of attraction between the opposite charge ions overcome due to heat. Molten मतलब पिघला हुआ state. So thus ions moves and conduct electricity freely. ठीक है, समझ में आया? तो this topic is clear to you. Next class में हम हमारा occurrence of metal start करेंगे, a new topic of this chapter itself. अभी तक हमने chemical properties और physical properties complete किया, हमने bonds पढ़ा. अभी bonds दो type के होते हैं, ionic और covalent. या ionic compound का हमने bond इसमें पढ़ा, covalent bond हम chapter 4th में पढ़ेंगे. I hope this topic is clear to you. If you have any doubts, you can ask me personally. अब इसके complete होने के बाद मैं आपको question send कर रही हूँ, वो question आप solve करेंगे. ठीक है, थैंक यू.